हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम जानेंगे फेसबुक का आविष्कार करने वाले मार्क जुकरबर्ग इनके बारे में। हालांकि इन्होंने फेसमास्क जैसे कई ऐप का आविष्कार किया, लेकिन फेसबुक से जो इनको नाम मिला वो उन ऐप से नहीं मिल पाया। तो चलिए जानते हैं, इनका पूरा नाम मार्क इलियट जुकरबर्ग है। वो एक अमेरिका कंप्यूटर प्रोग्रामर और इंटरनेट के उद्यमी हैं। इंटरनेट की दुनिया में फेसबुक को लाकर उन्होंने सोशल मीडिया क्रांति को बढ़ावा दिया। वह आज के दिन में फेसबुक के सीईओ, मुख्य कार्यकारी तथा साथ ही को फाउंडर भी हैं। अभी 2021 के अनुसार उनकी निजी संपत्ति करीब करीब 122 बिलियन है। उनका जन्म 14 मई 1984 में व्हाइट प्लेन्स न्यूयॉर्क शहर में पिता एडवर्ड जुकरबर्ग एक दांत चिकित्सक और माँ करेन कॉम्प्रेंसिंग मनोचिकित्सक के घर में हुआ था। मार्क जुकरबर्ग ने कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सबसे पहले पिता से सीखा। वह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर इतने उत्साहित थे कि उन्होंने उस उम्र में ही जुकनेट नाम का सॉफ्टवेयर बनाया था, जिससे उनके परिवार के लोग जैसे पिता के दांत चिकित्सालय में उपयोग किया जाता था। उनके घर में भी एक कंप्यूटर से दूसरे कमरे के कंप्यूटर पर बातचीत या कुछ सूचित करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग में लाया जाता था। मार्क जुकरबर्ग और इनके तीन मित्र एंड्रयू, क्रिस एंड डस्टिन ने 28 अक्टूबर 2003 में फेसमास्क नाम से एक वेबसाइट भी डिजाइन किया था, जिसके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा उपयोगकर्ता एक छात्र से दूसरे छात्र के फोटो के लिए हॉट या नॉट रेटिंग कर सकते थे। साथ ही अपने स्कूल के दौरान जुकरबर्ग ने एक म्यूजिक प्लेयर भी बनाया था, जिसका नाम था स्नैपर्स मीडिया प्लेयर। तो फ्रेंड्स, आज के दिन फेसबुक का नाम लेते ही लोग मार्क जुकरबर्ग को याद करते हैं। पर क्या आपको पता है फेसबुक की शुरुआत कहां से हुई थी। जैसा कि हमने आपको बताया, फेसबुक की शुरुआत फरवरी 4, 2004 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कमरे में रहने वाले मित्रों के साथ शुरू किया था। सबसे पहले जुकरबर्ग के पास स्पेशल नेटवर्क वेबसाइट बनाने का विचार लेकर दिव्य नरेंद्र आए थे। दिव्य नरेंद्र एक अमेरिका कारोबार है, जिन्होंने आपके शिक्षा समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जुकरबर्ग को एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाने की सलाह दी थी, जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन रखा गया। पर बाद में जुकरबर्ग को अपना सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाने का विचार आया, जिसका डोमेन नाम उन्होंने thefacebook.com लिया था, जो आज facebook.com या fb.com नाम से मशहूर है। thefacebook.com फेसबुक को उस समय अपने स्कूल के छात्रों के लिए ही बनाया गया था। उन्होंने इस कुछ तरीके से बनाया था कि जिससे कि छात्र अपने गुणों जैसे अपने कक्षा, अपने मित्रों तथा टेलीफोन नंबर के बारे में सूची कर सके। कुछ ही दिनों में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को अन्य स्कूलों छात्रों तक पहुंचाना शुरू किया। कोलंबिया, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, डार्टमाउथ, कॉर्नेल, पेन, ब्राउन एंड येले से शुरू किया। मार्क जुकरबर्ग बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने स्कूल के गणित, खगोल विज्ञान, भौतिकी और शास्त्र अध्ययन के लिए पुरस्कृत भी किया गया था। उनके कॉलेज के अनुसार वह फ्रेंच, हिब्रू, लैटिन और प्राचीन यूनानी भाषा बोल और लिख सकते थे। जब मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कमरे में रहने वाले मित्रों के साथ मिलकर फेसबुक को लॉन्च किया था। हालांकि उन्होंने अपने देश भर में लोगों को सामने फेसबुक के बाद में रखा था। फेसबुक की मदद से मार्क जुकरबर्ग 23 साल की उम्र में ही करोड़पति बन चुके थे। देखते ही देखते फेसबुक इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा मशहूर बन गया। अक्टूबर 2006 जैसे ही फेसबुक पर 50 करोड़ ट्रैफिक पूरे हुए, याहू ने फेसबुक को 1 अरब में खरीदने का ऑफर दिया, पर मार्क जुकरबर्ग ने पूरी तरीके से इसके लिए मना कर दिया था। 24 मई 2007 को उन्होंने फेसबुक प्लेटफॉर्म की घोषणा दुनिया भर में किया। इस घोषणा के कारण पूरे विश्व भर से 8 लाख से भी ज़्यादा डेवलपर फेसबुक से जुड़े। एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनियों ने फेसबुक से जुड़ने लगी। उन्होंने कुछ कंपनियों थी माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, स्लाइड, रॉक यू, बॉक्स डॉट नेट, रेडबुल, वॉशिंगटन पोस्ट एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, आप भी फेसबुक यूज़ करते हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मई 2008 को मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक कनेक्ट की घोषणा की, जिससे फेसबुक पर लोगों को एक दूसरे के साथ
दूसरे वेबसाइट के लिए उनको फेसबुक पहचान, मित्रों और गोपनीयता का साझा में आसानी हो रहा। मार्क जुकरबर्ग जितना हो सके लोगों से सीखने की चाह रखते हैं। वो आज भी इतना सफल होने पर भी 12 से 14 घंटे या कभी कभी पूरा दिन फेसबुक के लिए कार्य काम करते रहते हैं। वर्ष 2010 में वैनिटी फेयर मैगजीन में सूचना युग के सबसे प्रभावशाली लोगों में उन्हें प्रथम स्थान पर जगह मिली थी, जबकि 2009 में उन्हें 23वां स्थान पर रखा गया था। उसी वर्ष न्यू स्टेटमैन ब्रिटिश राजनीतिक और सांस्कृतिक पत्रिका में उन्हें मुख्य 50 प्रभावशाली फिगर लिस्ट में रखा गया। दिसंबर 11, 2014 में जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी के मुख्यालय में एक प्रश्न उत्तर सत्र में लोगों को जवाब देते हुए कहा, फेसबुक से लोगों का समय बर्बाद नहीं होता क्योंकि इससे लोग अपनों से और अपने समाज से जुड़े रहते हैं। साथ ही फेसबुक ने साल 2014 में दुनिया की सबसे पॉपुलर चैटिंग ऐप व्हाट्सएप को 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर में खरीदा। मार्क जुकरबर्ग ने इतने कम समय में सफलता प्राप्त की, यह कोई जादू नहीं है, उनकी कड़ी मेहनत का फल है। उन्होंने अपनी रुचि को अपना उत्साह बनाया और आगे बढ़ते चले गए। लोग अपने अंदर के ज्ञान की समझ नहीं पाते, पर उन्होंने ये बात बचपन से समझ में आ गया था कि उनको क्या करना है और किस दिशा को अपनाना है। एक और बात, उन्होंने कभी भी हार नहीं माना। जबकि उनकी कंपनियों में बहुत सारी मुश्किलों का दौर चल रहा था, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और याहू को अपनी कंपनी बेचने के लिए मना कर दिया। उनकी हर एक छोटी छोटी बातों से पता चलता है कि वह इतने सफल आज क्यों हैं और आगे भी सफल प्राप्त करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे मार्क जुकरबर्ग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।